दोस्तों ये जो तालाब दिख रहा है ये कोई मामूली तालाब नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे गांव का स्पेशल तालाब है, ठीक है ना। इस तालाब मतलब ये समझ लो कि इस तालाब में ईयरली इनकम इसमें 2 लाख से 3 लाख है, ठीक है दोस्तों। हर साल 2 लाख 3 लाख इसमें इनकम हो ही जाता है। आप बताओगे कि आप पूछोगे कि कैसे होता है दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहिए, सब कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूँ। कैसे ये बना था, कब बना था, इसका बांध किसने दिलवाया था, कौन बनवाया था, इसको सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी ये भरा हुआ है पूरा दोस्तों, ठीक है ना। ये पूरा भरा हुआ है, आपको सूखा हुआ भी सीन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि धूप का टाइम आता है ना। अब जून जुलाई का महीना जब आता है, यानी जून जुलाई का मैं बोलता हूँ, मार्च अप्रैल जो भी आता है, मतलब सूख एकदम लहर धूप जब चलता है तब ये पूरा सूख जाता है, पूरे अच्छे तरीके से एकदम पूरा समतल हो जाता है, ठीक है। वो सीन भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आगे लगे रहिए, ठीक है ना। आगे बने रहिए वीडियो में, अभी आप दिखाने वाला हूँ, एक डेढ़ मिनट के बाद आने वाला है वो सीन, ठीक है। वो अब मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी यूट्यूब पे डाल रखा था, जो सूख गया था ना पूरा अच्छे तरीके से सूख गया था, तब मैं डाला था, ठीक है दोस्तों। अभी ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा अच्छे तरीके से भरा हुआ है, आपको दिख रहा है छोटा, लेकिन उसके अंदर आप देख सकते हो पूरा बाहर दम आगे तक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे तक है, ठीक है। वो पतला सा गया हुआ है, बहुत दूर तक गया हुआ है, ठीक है। तो उधर भी पतला सा गया हुआ है, तो देख लो बहुत दूर तक गया हुआ, ठीक है। मान के चलो कि 1 किलोमीटर के रेंज में है इसका, ठीक है, पतला पतला सा गया हुआ है, बहुत दूर है इसमें। और इसमें इनकम कैसा होता है ये आपको बता देना चाहता हूँ। इनकम इसमें ऐसा होता है कि इसमें मछली डलता है, ठीक है ना, मछली का इसमें मतलब पैदा होता है, खेती होता है मछली का, ठीक है। गांव वाले से मिल के हम लोग मछली का खेती करते हैं, मतलब करवाते हैं किसी से, ठीक है। इसमें से मतलब जो भी आता है, जो मछली जो मत्स्य पालन जो करता है ना, वो आता है यहाँ पर, इसमें बीज डाल देता है, और जैसे ही पानी थोड़ा कम होने लगता है ना, तो मछली पूरा मतलब इसको पकड़ के और माल सप्लाई होता है। गाँव वाले खाखा के बच जाता है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मछली होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़े, एक मछली होता है 2 किलो का 2.5 किलो का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, अभी आगे का सीन बताने वाला हूँ, जो इसके क्यों पड़ा है, तालाब बना क्यों, ठीक है, ये बनाने का कारण बताने वाला हूँ, इसके पीछे का पूरा सीन बताने वाला हूँ, ये क्यों यहाँ पे बांधा गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो का भी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों जब ज़्यादा पानी भर जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है ना, तो इसमें पानी अभी इतना दिख रहा है ना, इसके 2 गुना पानी हो जाता है, तो निकलने का रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर पानी निकलने लगता है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ जितने सारे पानी उधर जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो उधर निकलने का कहीं रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं पानी, ठीक है दोस्तों। ये देख लो आप, यहाँ पर यहाँ से जाता है ऐसे भर के यहाँ से ऐसे निकल जाता है, धीरे धीरे करके ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो निकलने के बाद यहाँ से जाता है किधर, देखो दोस्तों यहाँ से आपको बताता हूँ किधर जाता है पानी, और यहाँ पर देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, पूरा अच्छे तरीके से बताऊँगा दोस्तों, थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर इधर से जाता है, ये भी बंधा हुआ था, देखो आप यहाँ सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये भी बंधा हुआ था, यहाँ से बाहर से पानी निकलता, ठीक है, इधर से पानी निकलता था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हुआ इस वर्ष, ये तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ के यहाँ से पीछे पानी जाने लगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको आगे का सीन बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों आगे का सीन यही था, ठीक है, पहले वहाँ से पानी आता था और इधर से जाके इधर चला जाता था, ठीक है, छोटा सा जो दिख रहा है आपको नाला से दिख रहा है, इससे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे इस बार इतना ज़्यादा पानी हुआ ना, इधर से पानी पास होने का जगह नहीं मिल पाया, इसलिए वहाँ पे बीच में तोड़ दिया, ठीक है, बीच में तोड़ दिया। मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों, मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये वाला तोड़ दिया, ठीक है ना। अभी भी देख रहे हो आप, इधर से पानी निकल रहा होगा, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी पानी बारिश होने के बाद अभी हो गया, काफ़ी दिन हो गया, 10 दिन 15 दिन हो गया, इसीलिए पानी इसमें से कम निकल रहा है, ठीक है, इसमें से कम निकल रहा है। अभी आपको यहाँ पे आप सीन देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा बारिश आती है इधर ना, तो पानी निकलता, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये पानी निकाल के चला जाता है, ठीक है। ये इधर एक चीज़ देखो, इधर पीछे भी मतलब पानी जमा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ जो सीन, जब सूखा हुआ रहता है तब कैसे रहता है, ठीक है। देखो दोस्तों अभी यहाँ से आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो पहचान में आ जाएगा, जितने बड़े बड़े जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, उससे आपको पहचान में आ जाएगा कि